तो हाँ भाई लोग, क्या हाल चाल है? ऊपर तो होंगे आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम इस रूम में HRTC का एक न्यू बस मोड के बारे में बात करेंगे गाइस। तो वो एक BS6 बस मोड है, तो आज हम इस रूम में इसका पूरा रिव्यू देंगे गाइस। इसका ड्राइविंग डायनेमिक्स कैसा है और उसके अलावा इंटीरियर एक्सटीरियर और क्या कुछ आपको देखने को मिलेगा इस मोड में, इसके बारे में डिटेल इन्फो दिया है गाइस। तो मेक श्योर करें आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पे आ रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ घंटे को भी जरूर दबाइए और हमें इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करेगा गाइस, क्योंकि हम उधर भी ड्राइंग वीडियो कंटेंट लाते रहेंगे। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस मोड में आपको एक बहुत सारे बढ़िया बढ़िया एनिमेशन देखने को मिलेगा गाइस, और उसके अलावा एक अच्छा खासा इंटीरियर एक्सटीरियर सब कुछ देखने को मिलेगा, जो कि आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बताऊँ कि इस मोड को इम इरोक्स चैनल ने बनाया है गाइस। तो उनका चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा गाइस, आप चाहो तो उनके चैनल को चेकआउट कर सकते हो। उसके अलावा इसका डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा गाइस, तो आप उधर जाकर इस मोड को डाउनलोड कर सकते हो गाइस। तो मोड तो बढ़िया है, हालांकि आपको डाउनलोड करने में थोड़ा दिक्कत आ सकता है, क्योंकि मोड डेवलपर ने कुछ शॉर्ट लिंक का कुछ यूज़ किया है गाइस। इस मोड के लिंक के रूप में शॉर्ट लिंक दिया है, तो आपको डाउनलोड करने में मुश्किल होगा गाइस, और डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करने में भी थोड़ा तकलीफ आ सकता है, क्योंकि पासवर्ड भी है गाइस, जो कि उनके वीडियो में और उनका वीडियो बहुत ही लंबा है गाइस, जिसके कारण आपको पासवर्ड ढूंढने में भी थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन ओवरऑल मोड तो बहुत ही बढ़िया है गाइस, आपको एक अच्छा खासा इंटीरियर देखने को मिलता है और आपको एक अच्छा खासा पूरा ग्रीनरी टाइप डैशबोर्ड देखने को मिलता है गाइस, जो कि अभी फिलहाल जो कि ट्रेंडिंग में, वैसे ही आपको डैशबोर्ड पूरा डेकोरेटेड देखने को मिलेगा। उसके अलावा आपको बहुत सारे बर्बर के डेकोरेशन देखने को मिलता है गाइस इसके इंटीरियर में, जैसे कि आपको ऊपर कर्टेंस कुछ देखने को मिलेगा, और उसके अलावा आपको पूरा ATS2 एनिमेशन पूरा एक्सटीरियर इंटीरियर सब में देखने को मिलेगा गाइस, जो कि बढ़िया बात है, और चलाने के मामले में भी बहुत ही स्मूथ है गाइस, और स्पीड भी बढ़िया है, ब्रेकिंग भी अच्छा है, और इसका ड्राइविंग डायनेमिक्स मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, और कंट्रोलिंग भी एकदम बढ़िया है गाइस, और ऐसा कुछ आपको लैग देखने को नहीं मिलता इस मोड में, जो कि बढ़िया बात है। और ओवरऑल आप इसका एक्सटीरियर का ओवरऑल लुक आप देख सकते हो, और इस मोड में आपको कुछ तीन तरह के एनिमेशन की देखने को मिलेगा गाइस। तो पहले वाले एनिमेशन से तो आपको कुछ बोर्ड कुछ चेंजेस इफेक्ट देखने को मिलेगा गाइस, और उसके अलावा दूसरे वाले एनिमेशन की से पूरा विंडो सब ओपन होती है, मतलब ओपन क्लोज करने के लिए, और तीसरे वाले एनिमेशन की से वो जो डिक्की है वो ओपन होता है गाइस। इसका ओवरऑल इफेक्ट ठीक ठाक है, मतलब अच्छा है। तो नीचे कमेंट करें कि आपको मोड कैसा लगा, तो मुझे तो बढ़िया लगा। और अगर आपके पास कोई और मोड रिलेटेड इशूज हो या आपके पास कोई भी तकलीफ हो, आप नीचे हमें कमेंट करके बता सकते हो गाइस, या हमें डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर भी DM कर सकते हो। ओवरऑल ये मोड मुझे बहुत ही बढ़िया लगा और बहुत ही मज़ेदार मोड है गाइस, ओवरऑल मुझे तो अच्छा लगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा गाइस, क्योंकि हमने सब कुछ कवर किया है, मतलब इसमें आपको क्या इंजन साउंड देखने को मिलेगा और उसके अलावा क्या क्या फीचर देखने को मिलेगा उसको पूरा इस वीडियो में कवर किया है गाइस। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो मैं आपसे अगले में मुलाकात करूँगा, तो तब तक के लिए बाय बाय।